बड़ी खबर के साथ, सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक करने वालों पर होगा बड़ा एक्शन। पेपर लीक करने वालों के गिराए जाएंगे घर। दोषियों पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी तेज हो गई है। 6 महीने के अंदर दोबारा से परीक्षा होगी। सिपाही भर्ती परीक्षा में बड़े एक्शन की तैयारी कर ली गई है। ये बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। इससे पहले अभ्यर्थियों के हित में सीएम योगी ने बड़ा फैसला लिया। उन्होंने भर्ती परीक्षा को रद्द करने का आदेश दिया और अब ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि पेपर लीक करने वालों पर बड़े एक्शन की तैयारी कर ली गई है। पेपर लीक करने वालों के घर गिराए जाएंगे। दोषियों पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी तेज हो गई है। और इन सब के बीच बड़ी बात यह भी है कि 6 महीने के भीतर दोबारा से परीक्षा होगी। सिपाही भर्ती परीक्षा में बड़े एक्शन की तैयारी चल रही है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, भर्ती परीक्षा रद्द करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पोस्ट भी किया है। उसके बारे में भी आपको बताएंगे कि अपने पोस्ट में सीएम योगी ने क्या लिखा है। लेकिन अभी तक का बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी है कि फिलहाल परीक्षा रद्द कर दी गई है। इससे पहले पेपर लीक की तमाम शिकायतें मिली थी। उन शिकायतों का संज्ञान लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने छात्रों के हित में ये बड़ा फैसला लिया। उन्होंने परीक्षा रद्द करने का आदेश दिया और अब ये जानकारी सामने आ रही कि जो लोग भी पेपर लीक में शामिल हैं उन सभी पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी भी चल रही है। जिस किसी ने भी पेपर लीक करने में कहीं ना कहीं अपनी भूमिका निभाई है, अब वो सभी एसटीएफ के रडार पर हैं और बुलडोजर एक्शन की तैयारी में हैं। सीएम योगी ने सोशल मीडिया पोस्ट में क्या लिखा है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। यूपी पुलिस आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर चयन के लिए आयोजित परीक्षा 2023 को निरस्त करने तथा आगामी 6 महीने के भीतर ही पुनः परीक्षा कराने के आदेश दिए हैं। परीक्षाओं की शुचिता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी स्थिति में बख्शे नहीं जाएंगे। ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी तय है। सीएम योगी का यह ट्वीट और इस ट्वीट में संदेश बहुत साफ है कि जिस किसी ने भी परीक्षा में गड़बड़ी करने की कोशिश की है किसी भी स्तर पर, अब उनके खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी है। कड़ी से कड़ी कार्रवाई। सरकार में कोई भी भर्ती हो निष्पक्ष पारदर्शिता के साथ हो, यह प्रयास किया जाता है। निश्चित रूप से तमाम लोग जिन्होंने परीक्षा में सेंध लगाने का प्रयास किया, तमाम लोग, बहुत सारे जिलों में जेल भेजने का काम किया गया है और किसी भी कीमत पर ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। मंत्री जयवीर सिंह को सुन रहे थे आप। किसी भी कीमत पर ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा जिन्होंने परीक्षा में गड़बड़ी करने की कोशिश की है। अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखनऊ से संकेत मिश्रा हमारे साथ हैं, गोरखपुर से राम गोपाल हमारे साथ हैं, मेरठ से उमेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संकेत, संदेश बहुत साफ है कि किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जिस किसी ने भी परीक्षा में गड़बड़ी करने की कोशिश की है, जिस किसी ने भी पेपर लीक करवाने में अपनी भूमिका निभाई है, अब बुलडोजर एक्शन की भी तैयारी चल रही है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, सीधे तौर पर ऐसे आरोपियों पर बुलडोजर का एक्शन किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए हैं कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी और जो पुलिस भर्ती की परीक्षा में जिन लोगों ने सेंधमारी की थी उन पर वो एसटीएफ की रडार पर है। और जो नजारा है इको गार्डन का, हम एक बार दिखाएंगे आपको अमित अपने कैमरों में कि युवा कितने उत्साहित हैं। इस फैसले से युवाओं में भारी खुशी है, तिरंगा झंडा हाथ में है युवाओं के, भारी खुशी युवाओं में है। नाराज है जो युवा ऐसे लोगों से नाराज थे, जो लोग इस भर्ती में सेंध लगा रहे थे, अब वो सरकार से सीधे तौर पर खुश नजर आ रहे हैं। हमारे साथ में ऐसे पुलिस भर्ती के युवा हैं। इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो भर्ती निरस्त करने का फैसला किया है और आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन की भी निर्देश है। जी, बहुत ही अच्छा निर्णय लिया गया है हमारी सरकार की तरफ से। सरकार भी हमारी ही है, हम ही लोगों ने वोट दिया है, कोई वैसा नहीं है। और इससे अच्छे पुलिस विभाग मजबूत ही होगा। ऐसे छात्रों को क्या फायदा जो पहले ही पैसे दे के पुलिस विभाग में भर्ती हो रहे हैं, उनसे आगे की क्या उम्मीद। सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ने निर्देश भी दे दिए हैं कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी और 6 माह के भीतर परीक्षा कराई जाएगी। इस फैसले से कितना खुश है आप? बहुत खुश है, जाके हम अपनी बयान नहीं कर सकते। यूपी में का बाप कोई नहीं बोलेगा, यूपी में बोलेगा बा बा बा। अब बोलने की इतनी खुशी है कि हम बोल नहीं पा रहे हैं, बस इतना ही कहेंगे शुक्रिया हमारी सरकार को और हम और हम कामना करेंगे कि पेपर लीक की शिकायत लगातार मिल रही थी, लेकिन जब तक साक्ष्य इकट्ठा ना हो जाए और उसके आधार पर तय न कर लिया जाए कि ऐसा हुआ है, उससे पहले कोई एक्शन फिलहाल बहुत जल्दबाजी में नहीं लिया जा सकता। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब ये सुनिश्चित कर लिया कि हाँ शिकायतों के पीछे आधार था, तब उन्होंने सबसे पहले परीक्षा रद्द करने का फैसला किया और साथ ही साथ कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी उनकी तरफ से दिए गए हैं। उमेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार उनके पास चलते हैं। उमेश, देखिए, इससे पहले भी पूर्ववर्ती सरकारों में परीक्षा में पेपर लीक होने की शिकायतें मिला करती थी,
लेकिन ऐसे संदेश बहुत कम दिए जाते थे कि देखिए हम परीक्षा भी निरस्त कर रहे हैं, आगे फिर से परीक्षा भी कराएंगे, लेकिन जिन लोगों ने भी पेपर लीक किया है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई भी करेंगे। उमेश जी हाँ, देखिए समूचे प्रदेश के युवा इस वक्त खुशी से झूम रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दे रहे हैं कि 6 महीने के भीतर यही परीक्षा अब दोबारा कराई जाएगी। हम सीधा कुछ युवाओं से रूबरू होते हैं और उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। अब ये बताइए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आप लोगों की बात को सुनते हुए समझते हुए यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया, आप किन शब्दों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद देते हैं? क्योंकि तो परीक्षाओं की शुचिता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, ये मुख्यमंत्री ने कुछ देर पहले एक्स पर ये बात अपनी रखी। मुख्यमंत्री जी ने ये बहुत बड़ा फैसला लिया है, छात्रित फैसला लिया गया है। हर चीज को देखते हुए पहले कमेटी का भी गठन किया गया, उसके द्वारा अब सर्वित फैसला लिया है, सभी छात्रों की मांगों को पूरा किया गया है इसको देखते हुए। और मुख्यमंत्री जी इस कार्रवाई को सख्त से सख्त करें उनके खिलाफ जिन लोगों ने ये पेपर आउट किया है, और उन बच्चों के सपनों पर पानी फेर दिया जो दिन रात एक कर कर इस पेपर के लिए तैयारी कर रहे थे। और दोषियों को सजा मिलना बहुत जरूरी है, आगे से ऐसी कोई घटना न हो जो इस वर्ष इस पेपर में की गई है। जो पेपर लीक करने वाले जो दोषी हैं उनके घर बुलडोजर चलना चाहिए, आपको लगता है ऐसा? उससे भी कड़ी सजा दी जानी चाहिए, जिससे उनकी आने वाली पीढ़ी ये याद रखें कि उन्होंने 50 लाख बच्चे जिन्होंने फार्म भरा उनके द्वारा उन पर क्या बीती होगी, जिन्होंने दिन रात एक कर रखी थी पढ़ाई में भी। और हर कितना इंतजार था आपको यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए, और जब आप परीक्षा देकर के आए तो बड़े खुश रहे होंगे कि हमारी परीक्षा अच्छी गई, लेकिन जब आपने ये सुना कि पेपर लीक हो गया तो कहीं ना कहीं कष्ट हुआ कि लगता है कि शुचिता की बात आ गई। तो शुचिता को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो फैसला लिया उसका हाथ जोड़ करके आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद देते हैं क्या? जी हाथ जोड़कर पूरी तरीके से मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं इस चीज को, और उन्होंने ये फैसला बहुत जल्द लिया देखते हुए। तो हर तरफ से इसके द्वारा योगी का धन्यवाद कर रहे हैं और इस बात को लेकर उनके मन में खुशी है कि अगर परीक्षा में गड़बड़ी हुई थी तो उसका समाधान यही था कि पेपर निरस्त किया जाए और दोबारा से परीक्षा करवाई जाए। और सीएम योगी ने यहां पर छात्रों की बातों का ध्यान रखा, उनके हित में बड़ा फैसला लिया। उपेंद्र हमारे साथ वाराणसी से जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, नकलविहीन परीक्षा को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है और एक बार फिर से बात साबित हो गई है, वाराणसी से क्या रिएक्शन है सीएम योगी आदित्यनाथ के इस फैसले पर? बिल्कुल, देखिए मैं बात भी कर लेता हूँ। नकल विहीन परीक्षा को लेकर सरकार प्रतिबद्ध थी और अब वो साबित भी हो गया है। जैसे ही कुछ शिकायतें मिली सरकार ने पूरी परीक्षा रद्द कर दी और 6 महीने दोबारा, इसके अलावा एसटीएफ जांच करेगी। अभिभावक, क्योंकि देखिए एक बच्चा ही पेपर नहीं देता, उसका पूरा परिवार देता, अभिभावक देते हैं, कैसा फैसला लगा आपको? देखिए ये फैसला एक आप आम जन के मानस में भले कोई लगे कि कड़वी दवाई है, लेकिन ये जरूरी है ये कड़वी दवाई, क्योंकि अगर जो बच्चा पढ़ करके अपनी तैयारी करके उस जगह तक पहुंचा और एक सेटिंग करने वाला आदमी अगर उसमें उससे आगे निकल जाता है तो ये उसके साथ कितना बड़ा छलावा होता है। और ये हम देख रहे हैं कि चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, ये उसकी नीति में अच्छी बात है कि अगर कहीं गलती हुई है, किसी ने क्राइम किया है, तो उसको अंजाम तक पहुँचा करके ही वो दम लेते हैं। और जैसा और हौसला भी है सरकार में कि दोबारा परीक्षा कराने का हौसला भी है। बिल्कुल, ये दोबारा परीक्षा कराने का भी मादा रख हैं। और एक समय में भारतीय जनता पार्टी कल्याण सिंह के समय में भी इसको बात को जता चुकी है कि जो पढ़ेगा, जो साक्षर, जो मेहनत करेगा वो आगे जाएगा, इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसी का परिणाम आज। बिल्कुल, पूर्ववर्ती सरकारों में तो अगर परीक्षा कभी अगर शिकायत आती थी तो क्या ऐसा रद्द तो हो पाती थी, ऐसा हो पाता था? एक समय में मुलायम सिंह की सरकार में ओपन बुक सिस्टम लागू होता था प्रदेश में कि बच्चे बुक लेकर के परीक्षा में बैठते थे, तो आप समझ सकते हैं कि उसमें ज्ञान का स्तर क्या जाएगा। और इसमें अगर कहीं कोई अपराध किया है उसको सरकार एसटीएफ लगा करके उसके तह तक पहुंच करके और बच्चों का भी नुकसान ना हो, 6 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा करके उनके घर तक। बात कर लेते, आपको लगता है कितना मजबूत फैसला है ये सही फैसला है? युवाओं के लिए बहुत ज्यादा मजबूत फैसला है, क्योंकि एक जो टॉपर्स हैं उनके लिए तो ठीक है, वो पहले से कट ऑफ क्लियर कर ले जा रहे हैं, लेकिन बेसिकली देखा जाए तो 75 से 85 नंबर वाले या परसेंटेज वाले जो बच्चे होते थे उनका मेन स्ट्रगल होता था, उनकी एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ होती है इस रिजल्ट को लेके। तो जो 50-55 पे अटक जाते थे अगर वो नकल करके आगे आ जा रहे हैं तो ये 75-85 वाले जो कंपटीशन में हैं वो अपने आप को अनसेफ फील करते थे। तो ये एक बहुत बढ़िया डिसीज़न है
कि गवर्नमेंट ने इसको रोका है और फिर से परीक्षा कराएगी, जिससे जो एवरेज बच्चे हैं जो मतलब स्ट्रगल कर रहे होते हैं वो उनको फिर से मौका मिलेगा आगे परीक्षा में उत्तीर्ण होने। आप किस नज़र से देखते हैं इस फैसले को? बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है और बहुत ही बढ़िया है। इससे कम से कम सबके साथ न्याय होगा और 6 महीने के अंदर अंदर योगी जी ने कहा है कि दोबारा परीक्षा होगी, FIR होगी, STF से इसकी जांच होगी, तो इसमें सबको न्याय मिलेगा। और जो पेपर लीक जिन्होंने किया है जी, वो अपने काम में सफल नहीं हुए जी। जी, वो काम उनका उद्देश्य ही पूरा नहीं हुआ। जो पेपर लीक किया है वो अपने मिशन में कामयाब नहीं होंगे और साथ ही साथ STF की रडार पर भी है, उन पर बहुत जल्द सख्त एक्शन भी देखने को मिलेगा। गोरखपुर से राम गोपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पीछे कई छात्र भी हमको नजर आ रहे हैं। रामगोपाल, गोरखपुर के लोगों का क्या रिएक्शन है, सीएम योगी आदित्यनाथ के इस फैसले को कैसे देखते हैं, क्या रिस्पॉन्ड दे रहे हैं? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रतिबद्धता ही है कि वो नकल परीक्षा करने के जो दावे करते हैं वो अगर उसमें किसी ने सेधमारी की है तो अब बुलडोजर एक्शन भी होगा। हमारे साथ गोरखपुर के कुछ युवा हैं, कैसे देखते हैं इस फैसले को? अब पूरा परीक्षा निरस्त, अब जो परीक्षार्थी हैं 6 महीने के अंदर पेपर होगा उनको फ्री में बस से जाने की सुविधा मिलेगी, और जिन लोगों ने पेपर लीक कराया है उन पे बुलडोजर एक्शन होगा। नहीं, बिल्कुल बहुत ही सराहनीय कदम है और मैं जो है बहुत इससे खुश हूँ, प्रशंसा करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का, कि उन्होंने युवा हितों को ध्यान में रखते हुए, छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए, जो छात्र जो लगातार कहीं ना कहीं नौकरी की तैयारी कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, और उनके मेहनत को देखते हुए ये फैसला लिया है कि अगर कहीं पे भी अगर छात्रों को लग रहा था या युवाओं को लग रहा था, प्रदर्शन हो रहे थे, कह रहे थे कि अगर पेपर लीक के में कुछ ऐसा हुआ है तो सरकार जो है अपने छात्रों पर विश्वास दिखाते हुए ये फैसला लिया है। इस बात से मुझे अत्यंत ही खुशी है कि कम से कम जो हमारी सरकार जो है वो खुश है। पेपर निरस्त हो गया, सरकार का ये बुलडोजर एक्शन होगा। बहुत धन्यवाद माननीय आदित्यनाथ जी को, और इससे बहुत, हालांकि मैं उन कंपटीशंस की तैयारी नहीं करता हूं, मैं विधि के कंपटीशंस की तैयारी करता हूं, न्यायिक परीक्षाओं की तैयारी करता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं यह युवाओं के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा और इससे यह प्रतीत होता है कि निश्चित रूप से यह सरकार युवाओं के लिए काम करने की सोच रही है और बेहतर काम कर रही है। युवाओं के लिए सोच रही है सरकार? फिलहाल तो सोच ही रही है, क्योंकि अभी जो एग्जाम्स कैंसिल हुए थे, रद्द हो गए थे, पेपर लीक हुआ था, तो फिर सब ये हुआ कि कुछ महीनों में एग्जाम्स कराए जाएंगे, तो ये है कुछ हद तक सोचा गया है। युवाओं के लिए सोच रही है सरकार, खुश है? जी जी, खुश है बहुत हम लोग जो इतना सरकार सोच रही है, और अभी जो बच्चे बहुत मेहनत किए थे उन लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि एग्जाम होगा फिर से, मतलब चीटिंग नहीं होगी, अच्छी बात है। और जो भी ये फैसला आया उससे खुश तो हम कहीं है, लेकिन जो बच्चों की आशाओं पे एक बार पानी फेर के उनको फिर से कहा गया कि आप फिर से करिए, ये बच्चों के लिए बहुत ही मुश्किल होगा मुझे लगता है। लेकिन जो चीटिंग करके सफल होना चाह रहे थे वो सफल नहीं होंगे? जी, सफल तो नहीं होंगे, पर जो बच्चे मेहनत से हो रहे थे वो हो पाएंगे जी। तो जो छात्र हैं वो खुश हैं, परीक्षा निरस्त हो गया सिपाही? अरे अब सरकार प्रतिभा परेशान हो सकती है, पराजित नहीं हो सकती है। जिन छात्रों ने पूरी मेहनत की है, परीक्षा निरस्त होने के बाद उनको लग रहा है कि 6 महीने बाद जब दोबारा से परीक्षा होगी, नकल विहीन परीक्षा होगी, तब उनकी प्रतिभा के साथ पूरा न्याय होगा, उनका चयन जरूर होगा।